नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबर, बड़गोना खुर्द में क्षतिग्रस्त सड़क नाली खड़ंजा के विकास कार्य से ग्रामीणों में खुशी। गांव का विकास करना मेरा पहला लक्ष्य, प्रधान शैलेन तिवारी। ग्राम प्रधान की गांव के प्रति सराहनीय पहल। प्रयागराज कौधियारा विकास खंड कौधियारा के ग्राम सभा बड़गोना खुर्द में विकास कार्य से ग्रामीणों द्वारा खुशी जताते हुए ग्राम प्रधान अपने ग्राम सभा को अपना परिवार समझ कर विकास करें तो सभी गाँव का हर तरह से विकास जरूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बदले की भावना को त्याग कर जब सत्तासीन राजा फैसला लेता है तो जनता के प्रति सराहनीय होता है। बदले की भावना को त्याग कर किसने मत दिया किसने नहीं दिया, जब तक ये भावना दिल में रहेगी तब तक गांव का विकास असंभव है। सब कुछ भुलाकर नवयुवक ग्राम प्रधान बड़गोना खुर्द शैलेन तिवारी ने किया जो कम समय में गाँव के ऐतिहासिक विकास हुआ। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, हकीकत है। आए और बड़गोना खुर्द के गांव विकास को देखें, आंखें खुल जाएंगी। सड़क से लेकर गांव के गलियारों के नाली खड़ंजा शौचालय वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन विकलांग पेंशन पानी की व्यवस्था हैंडपंप की रिपेयरिंग रिबोन असहाय बीमारी व्यक्तियों को अपने साधन से अस्पताल पहुंचाना निशुल्क इलाज करवाना बड़गोना खुर्द से बारी बजहिया सड़क 10 वर्षों से क्षतिग्रस्त हो गई थी। नवयुवक ग्राम प्रधान शैलेन तिवारी ने अपने लेटर पैड के माध्यम से क्षेत्र के सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुड़ा जोशी को अवगत कराएं। सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुड़ा जोशी क्षतिग्रस्त मार्ग के आवागमन सुचारू रूप से बाधित होने से संज्ञान में लेते हुए भी पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेशित किया गया कि आवागमन सुचारू रूप से चालू रखने के लिए क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य कराया जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क को संज्ञान में लेते हुए सड़क निर्माण कार्य बड़गोना खुर्द गांव के चारों तरफ से आरसीसी रोड मानक के अनुरूप कराया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराए जा रहे आरसीसी सड़क निर्माण कार्य से सभी ग्रामवासी संतुष्ट हैं। ग्राम प्रधान के सराहनीय पहल से जहां एक तरफ ग्रामीण खुश हैं तो दूसरी तरफ क्षेत्र में प्रशंसा खूब हो रही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से गौरी शंकर बिंद की खास रिपोर्ट। जो आपकी ग्राम सभा की आरसीसी रोड बन रही है, इससे आप संतुष्ट हैं? मानक अनुसार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एकदम ठीक से बनती है, कायदे से बनती है। और आपके ग्राम प्रधान द्वारा जो ग्राम में काम किया जा रहा है वो अच्छा किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है? बहुत बेस्ट काम हो, जब से प्रधान ये भाई तब से बहुत ज्यादा काम आई है अपने गाँव। जैसे नाली है खड़ंजा है, इसका विकास कार्य हो रहा है? नाली बनती है, खड़ंजा भी बनता है, इंटरलॉकिंग बनती है, नाली पक्की होती है। ये जो आरसीसी रोड बन रही है ये कितने मानक अनुसार कितने मतलब एक के बन रहा है मसाला? 3 एक के मसाला बन रहा है, सबके वह प्रधान स्वयं खड़ा रहा थी जब वह बना था। मतलब इससे संतुष्ट हैं आपने? हाँ, सब पूरा गांव संतुष्ट। कोई समस्या कोई शिकायत तो नहीं आरसीसी रोड? आपका परिचय? अमरनाथ भारतिया। ग्राम बड़गोना खुर्द। तहसील करछना। जिला प्रयागराज। प्रधान जी, जैसे कि ये रोड 10 सालों से क्षतिग्रस्त थी, आपके कार्यकाल में किस विभाग से आप आर्डर करवाएं और किस विभाग से बन रही है रोड? ये रोड जो है 10 वर्षों से बहुत जर्जर और बहुत ख़राब हो चुकी थी, आने जाने लायक नहीं थी। जनता बहुत परेशान हो गई थी इस रोड से कि आवागमन बाधित हो गया था करीब 1 साल पहले से ही। और हमने प्रयास किया, रीता बहुड़ा जोशी माननीय हमारे प्रयागराज के सांसद महोदय हैं, उनके द्वारा लेटर पैड के माध्यम से पीडब्ल्यूडी विभाग को पत्र भेजा गया है और उनके ही प्रयास से ये हमारी रोड, हमारे ग्राम सभा की रोड जो है पुनः कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और चारों तरफ से आरसीसी रोड, काली रोड, जहाँ आरसीसी बनने लायक है वहाँ आरसीसी बनेगी, जहाँ पर काली रोड बनने लायक है वहाँ पर काली रोड बनाया जाएगा और गांव के चहुमुखी विकास हमारे माननीय रीता बहुड़ा जोशी सांसद महोदय जी के। तो प्रधान जी, ये कितने किलोमीटर आप आरसीसी अपने बड़गोना खुर्द के लिए इशू कराए हैं? 800 मीटर आरसीसी रोड, जगह जगह पर जहाँ जहाँ गड़बड़ है वहाँ वहाँ पर आरसीसी रोड बनाई जाएगी और जहां पर करीब हद तक ठीक है वहां पर काली रोड बनाई जाएगी। जितनी भी रोडें हैं सब दुरुस्त किया जाएगा। और जो गांव में पानी की समस्या है उसके लिए आप नाली का निर्माण करवा रहे हैं? उसके लिए हम नाली का निर्माण
करवा रहे हैं और जो RCC रोड बन रही है इसके बगल से भी नाली का निर्माण किया जाएगा। जैसे हम बड़गोना खुर्द का पता चला कि पंचायत भवन ध्वस्त क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसके बारे में आप शासन के आदेश? पंचायत भवन हमारे यहाँ का ध्वस्त हो गया है, लेकिन हम उसका एस्टीमेट बनवा चुके हैं और स्वीकृति के लिए भेज दिए हैं। हो सकता है 15-20 दिन के अंदर हमारा वो भी कार्य प्रगति पे चालू हो जाए। तो अपने ग्राम विकास के लिए और कौन सी योजनाओं के लिए लोगों के योजना के लाभ दिला रहे हैं? हम अपने ग्राम विकास, ग्राम पंचायत के लिए जो भी मुझसे हो सकेगा हम उतना प्रयास करने के लिए तैयार हैं। पेंशन, विधवा पेंशन, साठ ताला पेंशन, नाली, रास्ता, जहाँ भी जो भी कमियाँ हैं, समय लगेगा लेकिन सब दुरुस्त हो जाएंगे। तो ये जो RCC रोड का निर्माण हो रहा है, ये मानक के अनुसार बन रहा है कि नहीं? ये मानक के अनुसार बन रहा है, ठीक बन रहा है। आपका परिचय? शैलेन्द्र तिवारी।